हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले आपने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन किए हैं, जैसे पॉलीनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट्सेट्रा, और बहुत सारी टाइप्स हैं। तो आज देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो मैं इसके इंट्रोडक्शन के लिए आज इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेके करते हैं सिंपल। सपोज करो आपके पास y इजिकल टू x, ये कोई ग्राफ पॉलीनोमियल है। आप ये सारे कर चुके हैं, एक्स स्केयर ले लेते हैं, y इजिकल टू एक्स क्यूब, ऐसे ही आप y इजिकल टू एक्स रेज टू पावर 4 ये करें आप सभी। और अगर आप इसमें इनका ग्राफ बनाएं तो देखिए ये ग्राफ कैसे जाता है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जीरो। आप सभी जानते हैं वाई इजिकल टू एक्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये वाई इजिकल टू एक्स का ग्राफ बनता है, ठीक है। ये 1 1, मान लीजिए यहाँ पर ये 1 1 है, तो ये 1 1 2 2 ऐसे होते हैं। अब यहाँ पर अगर 1 यहाँ भी पुट करें, इसका भी 1 आएगा, यहाँ पुट करें 1, इसका करें 1, यानी कि सभी के सभी 1 में से तो पास होंगे। y इजिकल टू एक्स के जैसे पैराबोला बनाते हैं आपको प्लस 1 में सीखे हुए हैं, मैं वैसे ही डायरेक्ट कर देता हूँ। ये पॉइंट आपका 1 1 है, ये सारे के सारे इसमें से ज़रूर पास होंगे और इस तरह से पास हो जाते हैं, ठीक है। आगे ये क्यूब का करें, सिर्फ मैं पॉजिटिव के लिए कर रहा हूँ, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। तो आप देखिए यहाँ से जाएगा और इसमें से पास होता जाएगा, ऐसी ऐसे ही ये जो जो आप इनमें एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इट विल पास थ्रू 0.11 और बड़ी फास्ट तरीके से ये चेंज होते हैं, ठीक है कि नहीं। आप कोई वैल्यू पुट करें, 2 पुट करेंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 8 आ जाएगा, ऐसे। यानी कि यहाँ जो ग्रोथ हो रही है बड़ी फास्ट तरीके से हो रही है, ठीक है। तो मेरा मतलब ये था ये बताने का कि ये जो फास्ट तरीके से चेंज हो रही है, अगर हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएं, क्या हमारे पास कोई और भी ऐसा फंक्शन है जो इससे भी फास्ट ग्रोथ करता है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि इसमें जो हम ग्राफ ये बनाएंगे, ये स्टीपर द कर्व फास्टर इज द रेट ऑफ ग्रोथ, जितनी स्टीप होती जाएगी ये वाई एक्सिस की ओर झुक जाएगी, लेकिन वाई के साथ कंसाइड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हम और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल जो इससे भी ग्रेटर है ग्रोथ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाई इक्वल टू मैंने लिया, एक पॉलीनोमियल ही है, ये सारे पॉलीनोमियल थे, यानी कि पॉलीनोमियल से भी कोई फास्टर ऐसा फंक्शन है क्या। यस, ये ले लिया, आप इसको वाई लिख लो या आप एफ ऑफ एक्स भी लिख देते हैं, ठीक है। चलो मैंने इसको 100 लिख लिया, ये 100 पावर है। एक और ले लिया वाई, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दूसरा लिया मैंने 10 रेज टू पावर एक्स, ओके। अब आप चेक करें, मैं इसमें सेम वैल्यू पुट करता हूँ दोनों में, आप पुट करें एक्स इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 पुट करें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 10 रेज टू पावर 3, यानी कि इसमें 100 वाले में पहचान है ये 100, और यहाँ पर 10 रेज टू पावर 3 की पावर 100, यानी कि 10 की पावर 300 आ गया, ठीक। अब दूसरे में एफ ऑफ एक्स में भी 10 रेज टू पावर 3 पुट करें और 10 की पावर एक्स हमने 10 की पावर 3 पुट किया है, और 10 की पावर 3 कितना होता है, 10 की पावर 3 1000 है, तो 1000। अब आप नोट करें यहाँ आ गया आंसर 10 रेज टू पावर 1000, और जो पहले आया था वो था 10 रेज टू पावर 300। तो आप देखिए कौन सा ग्रेटर है, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे क्लियरली 10 रेज टू पावर 1000 इज ग्रेटर, यानी कि ये फंक्शन ग्रेटर है। आप ये देखें, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर एक्स वेरिएबल है और ये बेस है,
बेस की पावर वेरिएबल है, यानी कि एक्सपोनेंट कहते हैं, इसलिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नाम दिया जाता है, और ये पॉलीनोमियल है। तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल जिसका नाम मैंने दिया, अभी डिटेल बताएंगे क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पहले से, यानी कि पॉलीनोमियल से भी फास्ट ग्रोथ करता है, अगर एक्स ग्रेटर देन वन हो। ठीक है, आप यूँ भी कह सकते हैं, यानी कि इसकी हायर द डिग्री तो ग्रेटर इज द ग्रोथ, ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा होगी। चलिए, ये मैंने थोड़ा आपको एग्जांपल दिया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेस है, एक्सपोनेंट इसकी पावर है, ये आ गया, तो इस वजह से इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल आपको और देते हैं जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस स्पीड पकड़ रहा है, तो उसकी ग्रोथ निकालने के लिए भी ऐसा है। जैसे आपने जूनियर क्लासेज में किया होगा, अमाउंट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में अमाउंट इज इक्वल टू यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज्ड पावर t, आर मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मैंने टाइम है। ठीक है, अगर आप वैसे ही सपोज करें 100 रुपीज़ का आप निकालते हो, 1 प्लस ये 5% के हिसाब से अपॉन 100 है, टाइम है सपोज करो 2 ईयर्स है, ऐसा आप करते हैं तो ये आ जाता है 105 और ये की पावर 2, यानी कि चाहे कुछ भी हो, चलो 2 2 3 कुछ भी है, चलो मैं टी रख लेता हूँ, सभी के लिए फार्मूला बन जाएगा। और इसको आप जब खोलते हो तो ये एक नंबर आ गया। अगर मैं यहाँ पर अमाउंट है डायरेक्ट ही निकालें, इसकी जगह कुछ और लिख लें, ये पी है और ये इसको ए रेज टू पावर टी है, पी अगर 1 हो तो ये सिर्फ ए रेज टू पावर टी रह जाएगा, तो ये वही आ गया, क्योंकि ये भी एक ग्रोथ को दिखा रहा था, अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, ग्रोथ है ये। अगर यहाँ पर ये 1 आ जाए तो ये ग्रोथ आ जाएगा, ये बेस है, ये टाइम टी है, क्योंकि ये 21/20 आप देख रहे हो, ये ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्रोथ को दिखाएगा। और ये अगर इस केस में सपोज करो जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो प्लस आ जाए, ग्रोथ कर रहा है, और अगर ये होता कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, अगर ये पॉपुलेशन का है, या किसी मान लो गाड़ी है आपके पास, वो डेप्रिशिएट हो जाता है उसका रेट हर बार, तो यहाँ पर 1 माइनस मान लो 5% से ही और 5 हो जाता है, तब आप ये करोगे तो माइनस हो, तो ये 95 आ जाएगा, 95 अपॉन में 100 हो जाता है, ये लेस देन 1 है, तो ये ग्रोथ की बजाय ये डिके हो जाता है, इसको हम एक्सपोनेंशियल डिके कहेंगे। यानी कि ये जो बेस है, ये मान लो कैलकुलेट करके आपका सारा जो भी नंबर आया उसको मैंने ए से डिनोट कर दिया, अगर ये ग्रेटर देन हुआ तो ग्रोथ है, अगर लेस देन 1 हुआ तो ये क्वांटिटी छोटी पड़ जाए, तो ये डिके है, एक्सपोनेंशियल डिके। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये फंक्शन कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, जब हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डिके दिखाना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अब इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल को, इफ़ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, ठीक है, देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 इज नॉट इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन 0। ओके, ए रेज टू पावर एक्स, वेयर ए इज द बेस और एक्स ये एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यानी कि आप इसका डोमेन कह सकते हैं, क्या होएगा, डोमेन डोमेन ऑल रियल, और रेंज ऑफ दिस फंक्शन आप नोट करिए, रेंज क्या बना, रेंज 0 to infinity, मतलब रियल पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आप ये करोगे, ए की पावर है सपोज करो -2 कर दिया आपने, देखिए 1/a^2 है, तो अगेन ये पॉजिटिव है, इसलिए रियल पॉजिटिव है। तो ऐसे फंक्शन को, यानी ये फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स, वे ए इज नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 में तो सेम चेंजेज ही नहीं आएगा। ठीक है, ए ग्रेटर देन 0, ये ए ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहलाएगा। ओके, तो इसका डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑल रियल और रेंज ये रहेगा, और जब ये 0 ए है, बेस है,
जीरो लेस देन ए लेस देन वन इसके बीच में है तो ये डीके हो जाएगा, समझ गया ना। जैसे वन बाई टू है, वन बाई टू, वन बाई टू की पावर अगर टू करें तो वन बाई फोर हो गया, ये कम हो गया। और अगर इसकी पावर जो जो बढ़ती जाएगी, वन बाई टू की पावर थ्री है तो वन बाई एट है, तो ये नंबर इससे लेस देन है तो ये डीके को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आपके लिए इतना सफिशेंट है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसका इन्वर्स भी निकालना सीखेंगे, जिसको आप लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं। ठीक है।